सुवर्णपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पक्षरु आज जिलापालक कार्यालय आगरे प्रतीक धारणा दिया जाइछि। तबे शिक्षक माने विद्यालय निर्घंट पर अपराह्न दुईटारु एही प्रतीक धारणा आरंभ करिछंती। गत 14 नवंबर रे शिक्षक संघ पक्षरु धारणा दिया जाइथिबा बेले जिलापालक निर्देश क्रमे जिला शिक्षा अधिकारी धारणास्थल रे पहुंची शिक्षक मानक सहित दाबी संपर्क रे आलोचना करिथिले। आउ सही दाबी गुड़िक पूरण करिबा पई मध्य प्रतिश्रुति देथिले, किंतु ए पर्यंत सही दाबी पूरण न हेबारु पुणी आज धारणा आरंभ करा जाइछि। सूचना योग्य जे शिक्षक मानकर तुरंत पदोन्नति कार्य शेष करिबा पई दाबी करा जाइथिला। आउ राज्य सरकारक निर्देश अनुजाई सेप्टेंबर शेष सुद्धा पदोन्नति कार्य शेष होबा कथा, हेले जिला शिक्षा अधिकारी अवहेला जगू पदोन्नति कार्य शेष होई पारिनाही। तेणु दुई दिन भितर एही दाबी पूरण नहेले शिक्षक शिक्षयित्री माने जिलापालक कार्यालय आगरे आमरण अनशन रे बसिबे बोली चेतावनी देइछंती। परे समानकर दाबी पूरण पई जिला प्रशासन को एक स्मारक पत्र प्रदान करिछंती। देखुन राज्य रे शिक्षक मानंकु पदोन्नति देबा पई माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश अछि जे सेप्टेंबर 30 सुद्धा पदोन्नति प्रक्रिया शेष करबा पई। ओडिशार समस्त जिले में यह पदोन्नति प्रक्रिया शेष होता बेले केवल आम सुवर्णपुर जिले में लेवल भि ए रु भि बी को पदोन्नति कार्यकारी हो पारना, जद्वारा जिलार हजार हजार शिक्षक बहुत दुख और परितापे अच्छा। ए संबंध में आम जिला शिक्षक संघ बारंबार जिला शिक्षाधिकारी भेटी विफल होवर गत 24/11/2021 आम प्रतीकात्मक धारणा देलु। ये धारणास्थल को निजे डीओ आसी कहले मु तुम दाबी 28 तारीख सुधा पूरण करदेवि, से आम संघ सामिल माने राजी न होवारु से लिखित प्रतिश्रुति आमको देले। ता सत्वे आज पर्यंत आम लेवल भि ए रु भि बी को जापारिना। आमर भय रोचे जे आपण मैंने जानती पंचायतराज इलेक्शन को नहीं जेकोसी समय कोड अफ कंडक्ट लागू हो जाए, जद्वारा सुवर्णपुर हजार हजार शिक्षक पदोन्नति वंचित हो जाए। तेणु पुणि थे आम से स्थगित आम प्रतीक धारणा को आज पुणि थे जिलापाल कार्यालय सम्मुखें आरंभ करूँ। आउ यही धारणा दुई दिन हाँ जदि जिला शिक्षाधिकारी आम कथा न सुनिबे ताहले आमे आमरण अनशन बस बाध्य। सुवर्णपुर जिला प्रतिनिधि पीताम्बर महापात्र रिपोर्ट कोणार्क लाइव।